हाँ भास्कर, हाँ सर, हो गए जी नहीं काम नहीं हुआ। मुलाकात हुई थी तो जी उन्होंने बताया कि भैया अभी फाइल ही हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ और उसमें केवल यही फाइलें नहीं है, कुछ उस दिन बेले भी ग्रांट हो गई थी। अच्छे हाँ तो कहने को बेल ग्रांट हो गई, साहब हाँ हाँ के सिग्नेचर ही नहीं बने, इसलिए बेल पड़ी हुई है। हाँ 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 क्लाइंट भी परेशान है, वकील साहब भी परेशान है, तो हम लोग स्वयं ही इसको जो है जितनी फाइलें उनके चैम्बर में हैं जी उनकी पीएस की कस्टडी मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हुजूर ही इस पोजीशन पे नहीं है कि वो कुछ हमको लोगों को डायरेक्शन दे चुके हैं, दे सके हैं, है ना। हाँ जैसे ही वो कुछ इस लायक होंगे कि हम लोगों को कहें कि फाइल ले जाओ या फाइल में लाओ साइन बना दें, हाँ तो तुरंत हम लोग फाइल लाएंगे और फिर ये एंटरटेन कर लेंगे, या तो चीफ साहब आए, क्योंकि क्योंकि सीनियर जज साहब जा रहे हैं इसलिए कर नहीं रहे हैं, सीनियर जज कहाँ जा रहे हैं तुमसे? और उनका तो हो गया चीफ जस्टिस हो गए कर्नाटक अच्छा, तो यहाँ तो वो है, क्या नाम उनका? के, अवस्थी हाँ वैसे तो अब वो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। साहब है। हाँ वो ट्रांसफर तो हो गया है 15 दिन अच्छा पहले ही, कल तो उनका फेयरवेल भी हो गया, हालांकि आज आए थे कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से, है जी। तो ना। अभी सर इरशाद साहब का तो क्या मतलब ज्यादा हो दिक्कत है, होश उसमें नहीं क्या? जो जी अच्छा, हम लोगों को ये पता चला कि नहीं अब आ गए हैं, बोल बतिया रहे हैं, चल फिर जी रहे हैं, लेकिन जी जी उनका कहना है ज्वाइंट रजिस्ट्रार लिस्टिंग साहब का, हम हाँ लोग कंटिन्यूअस अप्रोच में हैं क्योंकि बेले फंसी हुई हैं, हाँ तो हमको जवाब देना पड़ता है डे टू डे। अच्छा, उसमें बेल ग्रांट हो गई हो तो वो सब जेल में बंद हो गए, वो छूटने हाँ होंगे। बेल भी ग्रांट हो गई, जेल में से भी नहीं छूट रहे हैं, ना ऑर्डर बन रहा है, इस जी वजह से हम लोग डेली कांटेक्ट में हैं। पीएस जो है डेली रिपोर्ट उनके घर पे करता है, जी जी लेकिन चूंकि वो इस है ही नहीं कि वो कुछ डायरेक्ट कर सके, तो इसलिए वो सारी की सारी फाइलें अभी कोर्ट की कस्टडी में है। जब तक वो कहे ना हमारे यहाँ से ले जाओ जी भाई, कोई ऑर्डर कर दें कि जितनी भी फाइलें मेरे चैम्बर में है सब जो है सेक्शन भेज दी जाए, तो अच्छा, जब तक फाइल नहीं मिलेगी तब तक नॉमिनेशन होगा किस पे, दरअसल समस्या ये है। अगर तो अभी वो फाइल ही उस कस्टडी में इस वजह से नहीं हो रहा है। फाइल ये जो है अपनी, तब तो नॉमिनेशन अभी सीनियर जज साहब कर देते, तो जी। फाइल चूंकि चैम्बर में है उनके इरफाद अली साहब के यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है, उस पर साइन बना नहीं है, जी। वो था ना ऑब्जेक्शन इनवाइट करने का। अच्छा, अब वो वहां से फाइल भिजवाएं तभी वो हो पाए हैं। या तो कोर्ट साइन बना के फाइल भेज दे, या तो कोर्ट जो है साइन कटवा के अपने ऑर्डर कटवा के भेज दे फाइल। तो वो तो काम, दोनों काम तो वही साथ साथ करेंगे, कटवाएंगे तब भी वही कटवाएंगे और वही करेंगे तब भी वही करेंगे। वही बात की समस्या है, नहीं तो आज जो है आजकल में हो जाता नॉमिनेशन, समस्या फाइल की है केवल बस। तो वो सर तो घर तो ले नहीं गए होंगे, वो तो इनके पास होंगे। हाँ नहीं है तो चैम्बर में ही, सब पीएस कस्टडी में है, जब तक कोर्ट नहीं आएगी सब पीएस की कस्टडी में है फाइलें, अच्छा, वो कोई इधर उधर नहीं हो सकती है किसी तरीके? बिना हुजूर के डायरेक्शन के वो कहीं इधर उधर नहीं भेज सकता। अच्छा, तो सर ये क्या फिर कैसे, कब तक इसमें उम्मीद है? बात यही है कि पीएस हमारा हर दूसरे दिन वहां रिपोर्ट करता है हुजूर के पास पे, है जी। ना, जैसे कोई भी होगा थोड़ा सा भी मिलेगा जी। सारी फाइलें आ जाएंगी, और जैसे फाइलें आ जाएंगी तो तो आ जाइएगा, हम तुरंत जो है उसका नॉमिनेशन करवा देंगे। क्या सर मतलब अभी सेंस में नहीं है क्या सर? नहीं होश होश तो आ गया है, लेकिन अब उतना वार्ता करने के सेंस में नहीं होंगे दरअसल, बस अच्छा। नहीं पता चला। अच्छा हम लोगों का यह था कि तब उनकी ठीक जी। है ना, लेकिन अब ये टेक्निकलिटी तो उनसे मिलने के बाद, अभी जब हम लोग 3 बजे गए थे जी। उन्होंने ये समस्या बताई, और ये समस्या जुनून है, और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है सीनियर जज साहब से रोज होता है, लेकिन जो है अब समस्या वही है कि फाइलें ही नहीं है तो हम लोग करें क्या। हाँ वही सर, अब बच्चे भी इतना परेशान है साथ के सर, बिल्कुल एकदम जीना तौबा है इसमें। और क्या बताया जाए, हाँ तो सर मतलब अभी उम्मीद है कि हफ्ते भर में उम्मीद है कुछ हो जाएगा? हफ्ते भर में पूरी उम्मीद है, जी 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 कहा कि हम लोग आज छुट्टी के पहले भी अप्रोच करेंगे, जी जी जी
पीएस की तो ड्यूटी बीच में भी रहती है, तो अप्रोच करेगा, जी, पर जो है जैसे भी थोड़ा सा भी, हालांकि वो सेंस में आ जाए, उनके नॉलेज में आ जाए कि ये परेशानी है, जी, स्वयं ही कहेंगे सब ले जाओ दे आओ वापस, है ना। लेकिन जब तक वो कह ना दें तब तक तो नहीं आएगी ना। मतलब ज्यादा सर दिक्कत हो गई थी। अरे दिक्कत तो हो गई थी, अगर ये यहाँ जज ना होते, बगल में सब लग जाते तो उनकी भी समस्या हो जाती है ना। जी, एक ही घंटे के अंदर एडमिट हुए, ऑपरेशन भी हो गया, फलाना धमाका सब देना। अच्छा, तो मतलब सर उम्मीद है इधर इसी हफ्ते लास्ट तक हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लास्ट तक, जिस दिन लास्ट वर्किंग है उस दिन पता कर लीजिए, नहीं तो 10 साल के बाद जैसे खुले तुरंत पता कर लीजिए। अच्छा, चलो एक बार आएंगे फ्राइडे को। तो आज सर आप जब स्टार के यहाँ गए थे तब तो उन्होंने वहां भेज दिया होगा उसी के लिए। नहीं, वो एप्लीकेशन तो उन्हीं के पास थी, एप्लीकेशन वो दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव काम से ही गए थे वहाँ सीनियर जज साहब के यहाँ, जी, तो वो इसकी भी बात हुई होगी, प्लस वो कह रहा था कि भैया आज तो आप तो पहली बार आए, जी, लेकिन इसमें जितने लोगों की बेल हुई है जी, से एक दो लोग रोज आते हैं हमारे पास। अच्छा, जो अपनी एप्लीकेशन अपनी जो आप वाली है वो लेकर के गए होंगे वो। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने खुद ही बताया कि इसमें आप तो इसके लिए आ जाए हैं, जी, लेकिन जो है जो बेल एप्लीकेशन है जी, तो जी। वो डिस्कस करते हुए हम लोग ये पाए कि बेल एप्लीकेशन ही क्यों, जितनी भी फाइलें उनके यहाँ चैम्बर में है जी, सब वापस आ जाए तो सबका जो है लिस्टिंग हो जाए। आएंगी तो सब आएंगे, एक आधी आएगी नहीं। वही बात है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, ऐसा नहीं हम लोग इस पे लगे हुए हैं, लेकिन जब चूंकि कोर्ट ही उस स्थिति में नहीं है, अच्छा, तो हम लोग भी जो है हाथ बंधे हैं। चलिए, तो मतलब ये इसे तो तुरंत हम लोग फाइल लाएंगे और फिर ये एंटरटेन कर लेंगे, या तो चीफ साहब आए, क्योंकि क्योंकि सीनियर जज साहब जा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। सीनियर जज कहाँ जा रहे हैं उनका? उनका तो हो गया चीफ जस्टिस हो गए कर्नाटक के। अच्छा, तो यहाँ तो वो है, क्या नाम उनका, अवस्थी साहब है। हाँ, वैसे तो अब वो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, वो ट्रांसफर तो हो गया है 15 दिन पहले ही, कल तो उनका फेयरवेल भी हो गया, हालांकि आज आए थे कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से। जी, तो अभी सर इरशाद साहब का तो क्या मतलब ज्यादा हो दिक्कत है, होश उसमें नहीं क्या जो? जी, अच्छा, हम लोगों को ये पता चला कि नहीं अब आ गए हैं, बोल बतिया रहे हैं, चल फिर रहे हैं। जी, लेकिन उनका कहना है जॉइंट रजिस्ट्रार लिस्टिंग साहब का, लोग कंटिन्यूस अप्रोच में है क्योंकि बेले फंसी हुई है, तो हमको जवाब देना पड़ता है डे टू डे। अच्छा, तो बेल ग्रांट हो गई हो तो वो सब जेल में बंद हो गए, वो छूटने होंगे। हाँ, बेल भी ग्रांट हो गई, जेल में से भी नहीं छूट रहे, ना ऑर्डर बन रहा है। जी, वजह से हम लोग डेली कॉन्टेक्ट में है, पीएस जो है।